Level 1 का 15th problem. A bob of mass 10 kg is attached to a wire 0.3 meters long and breaking is stress. This, the area of cross section of wire is this. Maximum along the maximum angular velocity with which it can rotate in horizontal circle. देखिए, breaking stress दे रखा है. Breaking stress, stress is force upon area. अब जो breaking stress है, वो उन्हें दे रखा है 4.8 into 10 to the power 7. This must be equal to the maximum tension. इससे ज्यादा टेंशन होगा तो वो तार टूट जाएगा. और क्रॉस सेक्शन एरिया इज 10 टू द पावर, दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और एरिया इज 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर. सो मैक्सिमम टेंशन दैट दैट वायर मे सस्टेन इज 10 टू द पावर 7 इनटू 10 टू द पावर माइनस 6 न्यूटन. इससे ज्यादा टेंशन नहीं हो सकता. Means 48 न्यूटन. इससे ज्यादा टेंशन उस वायर में नहीं आ सकता. अब ये तो बड़ा साधारण सा सवाल है. दैट टेंशन मस्ट बी इक्वल टू मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी पूछिए. टेंशन इज एम ओमेगा स्क्वायर आर. बस. सो टी मैक्स के लिए मैं लिखूंगा एम ओमेगा स्क्वायर मैक्स इंटू आर. तो टी मैक्स की जगह 48 न्यूटन लिख दो, मास की जगह पर 10 केजी और ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम और आर की जगह पर लिख दो इनटू 0.3. सो ओमेगा मैक्स इज 48 बाय 3 अंडर रूट और 16. ओमेगा मैक्स इज 4 रेडियन पर सेकेंड. ये एक बड़ा ही आसान सा सवाल था. कोई खास सवाल नहीं था, सिर्फ इसमें स्ट्रेस पता होने वाली बात थी. अब 20th प्रॉब्लम. अ पार्टिकल मूव्स विथ कॉन्स्टेंट स्पीड यू अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर. कंप्लीट द सर्कल इन टाइम टी. द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज. देखिए, वह u कांस्टेंट स्पीड u, स्पीड इज u एंड दिस इज कांस्टेंट एंड रेडियस इज r. अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि स्पीड u रेडियस r, तो एंगुलर वेलोसिटी है u बाय r और एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल होता है u स्क्वायर बाय r या फिर ओमेगा स्क्वायर r. एनीवे, अब मुझे वेलोसिटी टर्म नहीं आने देना है, सिर्फ रेडियस. तो मैं यह लिख सकता हूं दैट दिस वेलोसिटी इज 2 पाई आर अपॉन टी. वेलोसिटी इज 2 पाई आर अपॉन टी. सो एक्सीलरेशन इज 2 पाई आर बाय टी होल स्क्वायर इंटू 1 बाय आर. सो एक्सीलरेशन इज 4 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी.
दोनों लिख रखा है r is the distance upon time due to the velocity, v square by r. In fact, here is t square, and then 2 pi r by t, कौन ने u लिख दिया? 2 pi r by t को u लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 pi u upon t. इस तरह से आंसर देखने लगेगा. Acceleration is 2 pi r, 2 pi u upon t. This is the acceleration. 2 pi square r by t square. Or phir 2 pi r by t ko humne u likh diya hai bas. Hence the answer is 2 pi u by t. लेवल वन के यह सारे प्रॉब्लम देखने के बाद अब हम लेवल टू के 8 को पहले देख लेते हैं और फिर उसके बाद 13, 14, 16, 8. A small block is shot into each of the four track as shown in figure. Each of the track rises to the same height with the speed v. The speed with which the block enters the track is same in all cases. The highest point of the track, the normal reaction is maximum n. देखिए, हम कहेंगे ब्लॉक को हमने हिट करवाया और हर एक ट्रैक की फाइनल हाइट सेम है, तो ट्रैक के ऊपर जो वेलोसिटी है वह सेम हो जाएगी अल्टीमेटली. आप देखिए, इस तरह का कोई सा भी ट्रैक है, इधर यदि उसकी वेलोसिटी भी है तो इधर कुछ वेलोसिटी v डैश होगी. ट्रैक के टॉप मोस्ट पॉइंट पर यदि इधर वेलोसिटी v है तो, और इस v और v डैश को हम रिलेट कैसे करेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन से. हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh प्लस हाफ m v डैश स्क्वायर. इफ V is same in all case and H is the same in all case, then V dash is also same in all the cases. सबसे पहले यह कंक्लूड कर लिया कि यदि सभी केसेस में v सेम है और हाइट भी सभी केसेस में सेम है तो v डैश भी सभी केसेस में सेम होगी. अब इस केस में टेंशन कैसे लिखेंगे हम? नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लिखा जाएगा कि mg इधर m v डैश स्क्वायर बाय r ऑफ नॉर्मल रिएक्शन. So normal reaction is equal to m v dash square r minus mg. अब जरा सोचिए, यह normal reaction के लिए generalized expression होएगा. हम कहते हैं mg minus mg हर एक केस में दिखेगा, m हर एक केस में दिखेगा सेम है, v dash हर एक केस में सेम है. तो अब नॉर्मल रिएक्शन r पर डिपेंड करा. इफ r इज इंक्रीजेस, यदि r ज्यादा होता है तो m v डैश स्क्वायर बाय r यह कम हो जाता है और नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाता है.
is min. This surface ke liye radius of curvature minimum hoega, uske liye normal reaction maximum hoega. Aur mujhe radius of curvature minimum dikha hai case A. In case 1, in case A, jahan par track bilkul is tarah se bana hua hai, is jagah par R is minimum. Minimum. And hence N is maximum. यह बात सोचनी है. बड़े ध्यान से समझिए. 13th, 14th, 15th ऑब्जेक्टिव इसके बाद कर डालो लेवल 2 के. लेट्स स्टार्ट डूइंग 13th ऑब्जेक्टिव. द स्टोन टाइड टू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज वर्ल्ड इन vertical circle with other end of the string at the center. At the certain instant of time, the stone is in lowest position and at a speed v, the magnitude of change in velocity at as it reaches the point where the string is horizontal. It's simply need energy conservation principle. स्टोन इससे टाइड है, लेंथ इज एल, वर्टिकल सर्कल मोशन, यह जब इधर से इधर आ जाता है, इस जगह पर इसकी स्पीड यू है, इधर आने पर इसकी स्पीड यू डैश क्या होगी? एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल. बस हम कहेंगे इस जगह पर एनर्जी है हाफ एम यू स्क्वायर, इस जगह पर एनर्जी है एम जी एल प्लस half m u dash square. Throughout u square equal to 2gl plus u dash square. So u dash is equal to under root of u square minus 2gl. This is the 13th problem. Then, 14th problem solve karte. A long horizontal rod has a bead which can slide along its length. At the initial and initially placed at distance L from end A of the rod. The rod is set in angular motion about A with constant. The stone. The stone tied to a string of length L is whirled in vertical circle with other end of the string at the center. With other end of the string at the center, at certain instant of time, the stone is at lowest point. The magnitude of change in velocity. अरे उन्हें पूछा magnitude of change in velocity as it reaches the position where string is horizontal. अब उन्हें magnitude of change in velocity पूछा है. तो हमने गलत निकाल दिया. हमने problem को समझा ही नहीं. उन लोगों ने जब पूछा था वो था मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, और हमने जो निकाल दिया है वो सिंपली फाइनल वेलोसिटी निकाल दिया. इसी समय हम 13th को दोबारा करते हैं. इनफैक्ट दोबारा नहीं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी इज V1 and this is U into I cap. And final velocity is V2
this is U dash. हमने इधर इसकी स्पीड लिख ली और एनर्जी कंजर्व करके इधर स्पीड निकाल ली. V2 is under root of U square minus 2GL into J cap. This is initial velocity and this is final velocity. ये हमने initial speed लिखा था और ये final speed लिखा था. अब यदि इसको हमको वेलोसिटी लिखना है तो वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी में उसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी दोनों होना चाहिए. अब चेंज इन वेलोसिटी हुआ v1 माइनस v2, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी. तो चेंज इन वेलोसिटी लिखूंगा मैं u i कैप माइनस अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gl इनटू j कैप. अब इसके बाद उन्होंने पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए मैं 2 स्क्वायर प्लस ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2gl, तो ये हो जाएगा 2 u स्क्वायर माइनस 2gl अंडर रूट ऑफ दिस. सो दिस कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 2 u स्क्वायर माइनस जीएल. हेज द करेक्ट आंसर इज डी. डी इज द करेक्ट आंसर. यह अब 13th प्रॉब्लम बिल्कुल सही और बिल्कुल परफेक्ट हो गया. इनफैक्ट IIT JEE 1998 में आया हुआ सवाल है, उसमें हमने यहां तक करके अधूरा ही करा था. उनने मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जो पूछा उसको बड़े ध्यान से डिटरमाइन करने के तरीके को समझ उसी के आगे फर्दर कंटिन्यू करना है और सॉल्व करना है. देखिए और लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम. Start reading it. A long horizontal rod has a bead which can slide along its length and initially placed at distance L from one end of the rock. यह rod है. In fact, this is a rod और इसमें यह बीड है. At a distance L from one end of the rod A, the rod is set in angular motion about A with constant angular acceleration alpha. If coefficient of friction between rod and the bead is mu, gravity is neglected, after what time after which bead starts slipping? कितने समय के बाद यह bead slip करने लगेगी? देखिए अब हम कहते हैं इस बीड पर दो एक्सीलरेशन लगेंगे. वह दो एक्सीलरेशन सबसे पहले इंडिकेट करता हूं. बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल बन गया ये. यहां तो रॉड है, कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, तो यह जो बीड है जो किसी दूरी एल पर है,
इसको बाहर ले जाने के लिए कौन प्रयास करेगा? इसको बाहर ले जाने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे पहले तो ओमेगा इक्वल टू अल्फा टी, ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वह एम ओमेगा स्क्वायर एल, तो एम अल्फा स्क्वायर एल इंटू टी स्क्वायर, एम अल्फा स्क्वायर एल इंटू टी स्क्वायर, यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हुआ। इसकी वजह से वह बीट बाहर जाने की कोशिश करेगा, मगर इसके साथ में इस पर एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी लगेगा। यह टेंजेंशियल एक नॉर्मल रिएक्शन रॉड का जो इसको टेंजेंशियल रिएक्शन एक्सीलरेट करेगा, और वह टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो होगा वह अल्फा इंटू एल। तो नॉर्मल रिएक्शन इज एम इंटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, दैट इज एम अल्फा इंटू एल। इसकी वजह से वहां एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करने लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो रेडियली आउटवर्ड है, और एक फ्रिक्शनल फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन एक्ट करने लगेगा, और वह जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वह म्यू इंटू एन, यह मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू एम अल्फा इंटू एल। अब हम कहते हैं कि जैसे ही यह फोर्स द बीड स्टार्ट स्लिपिंग, इफ फोर्स एक्सीड फ्रिक्शनल फोर्स, द बीड स्लिप इफ दिस फोर्स बिकम्स ग्रेटर एंड इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, तो एम अल्फा स्क्वायर एल इंटू टी स्क्वायर, जब यह ग्रेटर एंड इक्वल टू म्यू एम अल्फा एल हो जाएगा, तो वो स्लिप करने लगेगा। एल से एल कट गया, एम से एम कट गया, एक अल्फा से एक अल्फा कट गया। सो व्हेन टी स्क्वायर बिकम्स ग्रेटर एंड इक्वल टू म्यू by alpha, or when t exceeds under root of mu by alpha, fourteenth problem में when t exceeds mu by alpha, यह under root of mu by alpha, this is the correct answer। ध्यान से पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखिए। अ सिस्टम ऑफ बाइनरी स्टार ऑफ मास एम ए एंड एम बी आर मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर ए एंड आर बी। इफ टी ए एंड टी बी आर द टाइम पीरियड ऑफ मासेस एम ए एंड एम बी देन रेस्पेक्टिवली। देखिए इस प्रॉब्लम को हम ग्रेविटेशन के लिए छोड़ देते हैं। हम इस प्रॉब्लम को ग्रेविटेशन के लिए छोड़ते हैं। अभी सिर्फ मैं यह बताता हूं कि बाइनरी स्टार्स यदि हैं S1 और S2, यह बाइनरी स्टार, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट भी है, एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट भी है, थोड़ा आगे के चैप्टर्स का कंसेप्ट है, इसलिए अभी करने के बजाय इसको हम ग्रेविटेशन चैप्टर के लिए छोड़ेंगे। अभी सिर्फ इतनी सी बात बताता हूं कि इनका एक जगह पर सेंटर ऑफ मास होता है
उसके अबाउट यह दोनों स्टार्स घूमते हैं। यह स्टार इस तरह से इस पॉइंट के अबाउट घूमता है और यह स्टार इस तरह से इस पॉइंट के अबाउट घूमता है। किसी भी समय पर यह इधर है तो अगले इंस्टेंस पर यह स्टार्स आपको इधर दिखाई देते हैं, कुछ समय के बाद यह स्टार्स आपको ऐसे दिखाई देते हैं। यह S1, यह S2, फिर यह S1, यह S2, और कुछ समय के बाद इधर S1 आ जाएगा और इधर S2 आ जाएगा। और खास बात टाइम पीरियड टी ए और टी बी फॉर बाइनरी स्टार बराबर होते हैं। ऐसा क्यों होता है ये डिस्कशन हम सर्कुलर मोशन में करने के बजाय ग्रेविटेशन में करेंगे, क्योंकि द कंसेप्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रॉब्लम नीड्स द नॉलेज ऑफ एंगुलर मोमेंटम एज वेल एज सेंटर ऑफ मास। इसके अलावा और कोई डाउट हो तो हम डिस्कस करते हैं, अदरवाइज सर्कुलर मोशन को हम इस स्टेज पर लाकर बिल्कुल फिनिश डिक्लेयर करते हैं। ऑल दो सर्कुलर मोशन के हमने इतने प्रॉब्लम्स और इतने अच्छे अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लिए हैं दैट दिस इज सफिशिएंट। इसमें हमने आईआईटी जेई में पूछे गए सवालों को भी डिस्कस करा, काफी अच्छे सवाल डिस्कस हुए हैं। इस लेवल पर यदि आप सर्कुलर मोशन कर लेते हो तो कोई सी भी एग्जामिनेशन में किसी भी तरह का सर्कुलर मोशन पर पूछा गया सवाल आप अवश्य करोगे। एनीवे इस सर्कुलर मोशन को हम एड अप करते हैं जब आगे हम रोटेशनल डायनामिक्स रोटेशनल काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं। तो अभी जब आगे के चैप्टर पढ़ोगे तो और भी स्ट्रांग होता चला जाएगा। अब आप सर्कुलर मोशन पर इतनी ही मेहनत कीजिए, अब इससे आगे इस चैप्टर में समय देने के बजाय नाउ स्टार्ट डिवोटिंग योर टाइम ओवर डब्ल्यू पीई और फिर मैं